फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्क्रॉल बार के थ्रू आप अपना मतलब डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली हमें स्क्रॉल बार मिलता कहाँ से है? स्क्रॉल बार हमें होता है डेवलपर टैब से। हमें इसको यहाँ पर इंसर्ट में जाके स्क्रॉल बार, देखिए आप, स्क्रॉल बार फॉर्म कंट्रोल है। इस तरीके से हम या तो इसे लगा यूज़ कर सकते हैं या तो हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम स्क्रॉल बार यहाँ पे तो आ गया है, लेकिन डेवलपर पर टैब को हम ऐड कैसे करेंगे? तो बेसिकली इसके लिए करना क्या होता है हमें, इसके लिए हमारे पास फाइल में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर अगर आप डेवलपर टैब पर अगर आपका टिक है तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा अगर बॉक्स चेक्ड है, अगर अनचेक है और इसे मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से हट गया ये वाला टैब। इसको आपको यहाँ पे अपियर करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाना होगा, इसके बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डेवलपर टैब पे क्लिक करके इसे ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक डमी डेटा ले लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे लेते ए बी सी डी ई एंड एफ, और यहाँ पे मैं रैंडमली कोई नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे रैन बिटवीन का फार्मूला लगा के 1 to 95 तक ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने ये नंबर 95 तो नहीं, यहाँ पे रैन बिटवीन 40 to 95 ले लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल आर, कंट्रोल टी, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट में जाने के बाद इसे वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि हमारे फार्मूला यहाँ से रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं थोड़ा ऐसे ऑटो फिट कर देता हूँ हल्का सा, क्योंकि इसमें मुझे और भी काम करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डेटा हमारा सपोज़ तैयार हो गया। अगर इस डेटा को हमें यहाँ पे लेके आना है, इस वाली जगह पे सपोज़ हमें ये डेटा चाहिए और यहाँ पे हम मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कि जो भी डेटा हो स्क्रॉल बार के थ्रू आए और स्क्रॉल बार के थ्रू इसमें डेटा इनपुट हो। तो बेसिकली हम आपको एक ऑफसेट फंक्शन के बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं ऑफसेट फंक्शन होता है एक एक्सेल में, इसमें होता है कि रेफरेंस हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो रेफरेंस में जैसे डेटा मेरा यहाँ है तो मुझे डाटा का रेफरेंस यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, इसे मैं फ्रीज कर देता हूँ, मतलब मेरा यहाँ पर रेफरेंस मेरा ए पे आ गया है और ए से मैं रोज़ कितनी जाना चाहता हूँ, एक रो में नीचे डाउन में आना चाहता हूँ तो मैं 1 कर दूंगा यहाँ पर, और कॉलम मुझे एक रो मतलब डाउन इस तरह से आएगा, ए से यहाँ पे आ जाएगा, A2 पे आ जाएगा, और मुझे कॉलम यहाँ से इस रेफरेंस से कॉलम एक आगे जाने या नहीं जाना है तो मैं इसे 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए A आ गया, देखिए इस तरीके से। अगर मुझे इसी तरीके से B में जाना होता तो मैं यहाँ पे कॉलम को 1 कर देता तो ये यहाँ से इधर की तरफ आ जाता, एक कॉलम मतलब रेफरेंस मेरा ए हो गया, वहाँ से नीचे एक रोज मेरा नीचे डाउन गया और एक कॉलम मेरा आगे चलेगा। तो इस तरीके से ये मेरा ऑफसेट फंक्शन काम करता है। तो इसी ऑफसेट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस ऑफसेट फंक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफसेट आप इसे बना सकते हैं आप अपने, जब से आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट कर देता हूँ, यहीं पे ऑफसेट करने के बाद मैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे, आप कहीं पे भी कर सकते हो, यहाँ पे तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। तो रेफरेंस मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा, यहाँ से मुझे रोज़ कितने जाने हैं, रोज़ मुझे एक नीचे डाउन में जाना है तो 1 कर देंगे, और मुझे कॉलम कितना जाना है, कॉलम मुझे 0 जाना है, मतलब इसी कॉलम में नीचे होना चाहिए, अगर 1 कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वरना यहीं पे रहेगा, तो 0 कॉलम तो 1 आ गया। तो इसका रेफरेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको मुझे स्क्रॉल बार के थ्रू कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डेवलपर में जाने के बाद, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म कंट्रोल में जाके ये इंसर्ट करके यहाँ पे इस तरह से एक बना स्क्रॉल बार में नीचे यहाँ पे कर लेके आ जाता हूँ। इसे राइट करेंगे, लेफ़्ट करेंगे, इस तरीके से स्क्रॉल बार काम करता है। फिर मैं इसमें राइट में क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं लिंक कौन से सेल से करूँ, तो सेल को मैं लिंक कर देता हूँ, इस वाली सेल से लिंक कर देता हूँ। ठीक है, N10 से मेरी लिंक हो गई है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू इसमें 7 डाल देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 तक लेके आ सकता हूँ, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो। और करंट मिनिमम वैल्यू आपकी 0 नहीं, मैं इसे 1 कर देता हूँ।
और करंट वैल्यू मेरी 3 है, ठीक है। और इस तरीके से उसे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में भी इसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसे इसके साथ कनेक्ट करना है, ऑफसेट वाले फंक्शन के साथ। तो इस वाले 1 को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब इसका रेफरेंस दे दूँगा। तो क्या होगा कि जैसे 5 होगा, 6 होगा, जैसे कि हमने ऑफसेट लगाया था ना यहाँ पर, इस तरह से रेफरेंस हमने वो भी यहीं पे भी लगा रखा है हमने। तो रेफरेंस हमने जैसे कॉमा, रो हमारी कौन सी हो जाएगी, रो में हम ये वाला रेफरेंस दे देते हैं, और कॉलम हमारा 0 तो था ही। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए एफ आ गया यहाँ पे, इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर देंगे। हम यहाँ पे जहाँ पे 1 का ऑप्शन दिया है, तो 1 की जगह मैं इसे 1 को हटा के इसका रेफरेंस दे देंगे यहाँ पे, ऐसे ओके कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूँ तो नीचे वाला भी चेंज हो रहा है और ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए 7th पे, वो बेसिक एक्चुअली यहाँ पे आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसे 6 तक ही कर लेते हैं, करंट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसके समझ में आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। आप देखिए इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, चेंज हो रहा है। अभी हम यहाँ पे वीलू का फंक्शन लगा देते हैं। तो वीलू कप में लगाने से पहले मैं आपको कॉलम फंक्शन के बारे में बताता हूँ। कॉलम का फंक्शन होता है कि जैसे मैंने इस कॉलम पे रखा तो इस कॉलम में 2 की वैल्यू आ गई, तो मैं इसे ड्रैग करूँगा इस तरीके से, तो 3 4 आ गया ना, क्योंकि मैंने इसे फ्रीज नहीं किया तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर वीलू कप में लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई है, इसे फ्रीज कर दूँगा मैं F4 से, कॉमा करके मेरा लुकअप अरे ये हो गया है, F4 करके इसे भी फ्रीज कर दूंगा। फिर कॉलम इंडेक्स में लगा देते हैं कॉलम। कॉलम को आप चाहे यहाँ पे लेके आए चाहे यहाँ पे, तो ये कॉलम का नंबर 2 ही देगा। फिर इसमें जैसे स्क्रॉल करूँगा इसे, क्योंकि फ्रीज नहीं करना है, तो ये इस तरह से इसको 2 3 4 इस तरीके से आएगा। और इस तरीके से हमारा वी लुकअप में हमें कॉलम इंडेक्स की जगह इंडेक्स में मैनुअली इनपुट करने की जगह हम इस तरीके से एक कॉलम का फार्मूला लगा के दे सकते हैं। फॉल्स लिख दीजिए या तो 0 लिख दीजिए, एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। एंटर कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर कर देंगे इसे, इस तरीके से देखिए ए की वैल्यू आ गई 59 83 91। अब देखिए सारे ऐसे कनेक्टेड है, तो मैं इस तरीके से देखिए डेटा मेरा स्क्रॉल बार के थ्रू मैंने इसे कंट्रोल कर लिया। तो बेसिकली ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 और 7 ही तक लेके, इसे आप 1500 मतलब कितना भी कर सकते हैं स्क्रॉल बार, पर इतना ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि स्क्रॉल ही करते रहें इसे आप, ठीक है। तो ये मतलब जैसे कोई भी डेटा, ज़रूरी नहीं है डेटा आपका एक ही शीट में हो। तो मैंने आपको समझाने की उससे क्या कि आपको किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका डेटा शीट 2 में हो, शीट 3 में हो, शीट 4 में हो, तो इसमें आप डैशबोर्ड बना रहे हो, स्क्रॉल बार के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जैसे आप दिखाना चाहते हैं किसी ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहते हैं, इंसर्ट कर दीजिए इसमें आप। इंसर्ट में जाने के बाद कोई सा भी चार्ट ले लीजिए आप। सपोज़ मैं ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, इसमें से बार चार्ट ले लेता हूँ, इस तरह से इसको इस तरीके से बना देता हूँ, और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ से, इसको इस तरह से ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आप देखिए आप इस तरह से ग्राफ चेंज करेंगे तो ये आपका ग्राफ भी चेंज होता रहेगा इसके अकॉर्डिंगली। और इसको आप डेटा के ऊपर भी रख सकते हैं जिससे कि डेटा भी नहीं दिखे, और इस वाली वैल्यूज़ को आप कर सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद इसे वाइट कलर कर देंगे, और इसको ग्राफ को नीचे स्क्रॉल करके इसके ऊपर लेके आ जाएंगे इस तरीके से, इसको ऑटो फिट कर देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से अगर आप इसके बैक इस तरीके से आप इसका एक बना देते हैं लेआउट। अब देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ चेंज हो रहा है, और किसी को समझ में भी नहीं आएगा ये डेटा आपका कहाँ से पिक कर रहा है, किस तरीके से पिक कर रहा है। तो ये तो आप इसमें आप अपने मतलब जैसे प्रोडक्टिविटी शीट बनाते हैं अपने ऑफिस में, किसी का मतलब किसी भी तरह के शीट्स बनाते हैं जिसमें आपके ऑफिस से रिलेटेड है, आप अपने वर्क को रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपका दिखे ना किसी को, जैसे फार्मूले भी पता ना चल पाएँ, तो आप इसके लिए भी एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाने के बाद इस तरीके से शेप्स आती हैं, आप इनको इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाके यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आती है, इसको राइट में ड्रैग कर दीजिए,
इतनी भी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे तो इसे ओके कर देंगे, इसे क्लोज़ कर देंगे। तो देखिए इस पर कोई क्लिक करेगा तो उसे फार्मूला भी नहीं दिखा देगा, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से इसके अंदर रहेगा, मतलब ये किसी को फार्मूला भी नहीं देख सकता, तो अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं या तो आप इस तरह से भी कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे प्रैक्टिकली करके देखिए तो प्रैक्टिकली करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके थ्रू आप जैसे डेटा आपका शीट 2 में है, शीट 3 में है, शीट 4 में है, स्क्रॉल बार के थ्रू पहले आप डेटा को कोलेट कीजिए, कोलेट करने के बाद ऑफसेट के थ्रू उसे कनेक्टिविटी दीजिए, कनेक्टिविटी देने के बाद इस तरह का स्क्रॉल बार बना दीजिए। ये तो थोड़ा बड़ा मतलब मैसी टाइप, मतलब इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है इसको, मतलब बिल्कुल ऑटो फिट यहाँ पे लेके आएगी ये बार स्क्रॉल बार। ये तो आपको एक बेसिकली एक आपको एक ओवरव्यू देना था किस तरीके से आप इसे कनेक्टिविटी दे सकते हैं स्क्रॉल बार के थ्रू, ठीक है। और इस तरह से आप शेप को इसके ऊपर रख देंगे तो कोई इसको मतलब चेक नहीं कर सकता है कि आपने फार्मूला क्या लगाया है। तो मतलब इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको आप बेसिकली कस्टमाइज़ करके अपने कस्टमाइज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू आप मतलब काफ़ी चीज़ों को मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं। और फॉर्मेट कंट्रोल का बेसिक ये होता है कि आपको सेल का रेफरेंस इस वाली सेल लिंक में देना पड़ता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इंक्रीमेंट चेंज, अगर 1 की जगह 2 कर देंगे तो पहले 1 आएगा फिर 3 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सिंपली पहले आप स्क्रॉल बार का फंडा जान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।